सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ के पाठागार के प्रांगण में वाहिनी ग्रुप के द्वारा 3 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन पहली बार किया गया। इस मेले में कुल 50 स्टॉल लगाए गए हैं। सभी स्टॉल महिलाओं के द्वारा लगाए गए हैं। घरों में अपने हाथ से कुछ न कुछ बनाने वाली महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। मेरा मोटो था कि जो लोग घर से काम करते हैं लेडीज लोग, वैसे यहाँ जनरली होता रहता है ये सब चीज़, लेकिन जो बहुत जन है, हम लोग हिंदी भाषी है, यहाँ पे जनरली लोग बंगाली हैं, तो मेरा मन था कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे जगह चुने कि जहाँ हिंदी भाषी लोग भी आए और बंगाली भी, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए एक ही चीज़ में बंध के रहना वैसा नहीं होता। इसलिए हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि हम भी इस लाइन में आए, और जहाँ भी एग्जीबिशन वगैरह होता है वहाँ सिर्फ स्टॉलर भी मतलब बंगाली लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजर भी बंगाली होते हैं, और मतलब वहाँ कस्टमर भी बस वही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मन था कि हम करें और हमारे हिंदी भाषी भी आए, सब लोग आए, और जो लेडीज घर से काम करती है उनका व्यापार बढ़े, आगे चले, यही मेरा मन था। और मतलब बहुत जन ऐसा है जो हमको सपोर्ट किए। आज कुल कितने स्टॉल लगे हैं यहाँ पर? यहाँ 40-45 जैसा लगा है स्टॉल। अच्छा 45। किस तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद स्टॉल में लगाई गई हैं? यहाँ आपको हैंडमेड ज्वेलरी है, आपको बहुत जन है जो हाथ से शॉल वगैरह बनाते हैं, साड़ी वगैरह बनाते हैं, कढ़ाई बुनाई करते हैं, इस टाइप का है, जूट का आइटम्स है जो हाथ से बनता है, जूट का जो बैग्स वगैरह। आप इस तरह के जो ये हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी, कितने सालों से इन सब से जुड़ी हुई हैं? मैं इससे जब यहाँ सिलीगुड़ी आई देखती थी यहाँ, तो मेरा मन हो रहा था कि करो, पर यहाँ ये पहली बार किया आपने? जी मेरा फर्स्ट टाइम है ये। हम देख रहे हैं कि पहली बार ही आपको रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जी फर्स्ट टाइम। एक बार मैं खुद ही फूड स्टॉल लेकर के बैठी थी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजर के साथ में, फूड स्टॉल जस्ट जितना का मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे नहीं, मैं सक्सेस नहीं हुई उसमें, लॉस ही हुआ। पर मेरा जब वहाँ देख के मैंने देखा जो हर जगह पे यही हो रहा है, क्या सिर्फ जो हैं वही आते हैं, हम लोग का हिंदी भाषी कोई नहीं पहुंच रहा है, इसलिए मेरा मन था कि हम करें। नहीं नहीं बहुत अच्छा। मैं यहाँ काफ़ी समय से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, आपकी काफ़ी मेहनत भी इसमें झलक रही है। आपको बहुत बहुत बधाई, आगे भी आप इसी तरह से बढ़ते रहें।